तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज हम गेटिस वाला अंडरवियर बनाने वाले हैं। इसमें इलास्टिक भी पड़ेगी ऊपर और उसके बाद ये म्यानी वाला अंडरवियर रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ऐसे एक प्यारी सी लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारा अंडरवियर बनने वाला है, कुछ इस तरीके से बनेगा, देखें। और इसमें म्यानी वगैरह सारा कुछ लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ। तो चलिए हम बनाकर दिखाते हैं, ऐसे नहीं मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे का पैंचा है, नीचे का पैंचा हमें जोड़ मोड़ लेना है, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये पैर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसे पहले हम थोड़ा ऑयल लगा लें मशीन में, भाई दो तीन दिनों से सूखी है, तो भाई इसे भी थोड़ा ऑयल जरूर दे दें और इस तरीके से तेल सभी में लगा लें। उसके बाद फिर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे हमें कैसे अंडरवियर बनाना, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, देख सकते हैं। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली और नीचे का हिस्सा हमने फोल्ड कर लिया। ऐसे ही आपको भी फोल्ड कर लेना। अब हमें एक हिस्सा ले लेना, एक हिस्से में हमें म्यानी रखनी है। ये वाला हिस्सा सीधा करना, डबल हो गई तो एक एक करके अलग अलग कर लेते। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जोड़ना है म्यानी को। इस तरीके से हमें ऐसे करके पलट लेना है। बस 10 मिनट में हमारा अंडरवियर बनके रेडी हो जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना, इस तरीके से पलट लें, ध्यान रखें, इस तरीके से पलटा लें। पलटाने के बाद चाहे तो आप ऊपर से लगाएं सिलाई या नीचे से लगाएं, लेकिन सिलाई तो लगानी है। तो इस तरीके से पक्की सिलाई, इस तरीके से हम सिलाई को पक्का कर लेते हैं। देखें ध्यान से, इस तरीके से सिलाई हमारी पक्की हो गई। तो ऐसे ही हमें इस साइड भी कर लेना है। स्पीड थोड़ी कम कर लें सिलाई की। तो अब हमें क्या करना, तो इस तरीके से इस तरीके से सिलाई लगा लें नीचे का धागा। फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया, देखें ध्यान से, इस तरीके से लग गया। अब हमें क्या करना, हमारे दोनों साइड में म्यानी लग गई, एक इस साइड में लग गई और लग गई एक इस साइड में, ठीक है। इस तरीके से हमने म्यानी को लगाया। अब हमें क्या करना है, ये सीधा पड़ता है हमारा, तो ये इस तरीके से हमें रखना है। तो देखें ध्यान से, इस तरीके से सीधे और सीधे पर्त को आपस में इस तरीके से मिला के और यहाँ से इस तरीके से रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें म्यानी को भी जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें ये गेटिस वाला बनाना है, इसलिए यहाँ पर ऊपर पलटा नहीं जाएगा, डायरेक्ट सिलाई करना इस तरीके से। इस तरीके से पलटा लें, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें इसे पलटा लें। पलटाने के बाद इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। देखें ध्यान से, इस तरीके से हमने इस साइड की म्यानी को कम्प्लीटली जोड़ लिया। देखें इस तरीके से हमें जोड़ना है। एक बेहतरीन तरीके से हम आपको अंडरवियर बना के दिखा रहे हैं, शायद है कि आप सही से समझ सकेंगे। तो इस तरीके से करें, और ये वाली म्यानी है तो म्यानी वाला हिस्सा थोड़ा बैक पीछे करें और इस तरीके से नीचे वाले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से को दबा दें। तो अभी क्या करना, इस तरीके से फोल्ड कर, तो फ्रेंड्स इस तरीके से ध्यान रखें, ज्वाइंट हमारा यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से तरीके से हमें कर लेना, यहाँ करके ऐसे करके, और इस तरीके से फिर इसके ऊपर एक किनारी पे सिलाई लगा लेनी इस तरीके से, देखें ध्यान से। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना, देखें ध्यान से, जी हमारी सिलाई कुछ इस तरीके से लग गई है। तो अब ये हमें क्या करना है, अभी जांघों के नाप ले लेना है। जांघ मेरी कितनी है, 21 है। तो ध्यान देखें, इस तरीके से हमें 21 पर
21 इतना रखना है, तो हमें 11 11 तक छांट लेना है, तो 11 हमारा यहाँ पे है। तो इस तरीके से बस इतना ही छांटना, ज़्यादा नहीं छांटना, ठीक, हमारा 21 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, यहाँ पर देखें ध्यान से थोड़ा, तो इसे बैक करके और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमने सिलाई को लगा दिया। देखते जाएं साथ साथ में, देखते जाएं नीचे वाला पर तो ऊपर को चढ़ा के, और हमने ऊपर से सिलाई लगा ली, देखें इस तरीके से। अब हमें क्या करना, हाँ इस तरीके से, चाहे तो हम इस साइड से सिलाई लगाएं, चाहे पीछे साइड से लगाएं, कहीं से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिलाई को लगा दें, तो फ्रेंड देखें ध्यान से, कुछ इस तरीके से हमने अंडरवियर को कंप्लीट कर लिया। अभी हमें गेटिस डालनी, गेटिस कैसे डालेंगे तो बस ध्यान से देखते रहें। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फ्रेंड्स वीडियो मेरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमारी गेटिस रह गई है पढ़ने को। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और उसमें गेटिस भी हम डाल के दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा रहेगा। गर्मियों के लिए सबसे बढ़िया, ना फुड़िया ना फुंसी कुछ भी नहीं निकल सकता, ऐसा अंडरवियर है ये। अगर आप भी यानी आपके भी दांत वगैरह हो जाती है तो आप इसी तरीके का अंडरवियर पहने। ये रियोन कपड़ा है, जो कि सबसे सही कपड़ा और सबसे अच्छा कपड़ा होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।